ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंध के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला ने कदमताल आरंभ कर दिया है। ऊना प्रशासन ने प्लास्टिक के विरुद्ध एक विशेष मुहिम छेड़ दी है। ऊना प्रशासन विकल्प के तौर पर कपड़े के 1,00,000 थैले खुद घर घर तक जाकर जनता को बांट रहा है। जिले के डीएम ने खुद इसकी कमान अपने हाथों में ले रखी है और खुद भी वितरण टीम के साथ घर घर जाकर लोगों को कपड़े के बैग बांट रहे हैं। यही नहीं, प्रशासन ने प्लास्टिक के विरुद्ध भी प्रचार प्रसार कर सब्जी मंडी और बाजारों में जाकर व्यापारियों और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया। देश में 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंध के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले ने कदमताल आरंभ कर दी है। ऊना प्रशासन ने प्लास्टिक के विरुद्ध एक विशेष मुहिम शुरू की है। ऊना प्रशासन विकल्प के तौर पर कपड़े के 1,00,000 थैले बनवाकर खुद घर घर जाकर उन्हें जनता में बांट रहा है। जिले के डीएम ने खुद इसकी कमान अपने हाथों में ली है और खुद भी वितरण टीम के साथ घर घर जाकर लोगों को कपड़े के थैले बांट रहे हैं। यही नहीं, प्रशासन ने प्लास्टिक के विरुद्ध प्रचार प्रसार के लिए सब्जी मंडी और बाजारों में जाकर व्यापारियों और लोगों को जागृत भी किया। प्रशासन अपनी तरफ से कपड़ा देकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ये थैले तैयार करवा रहा है, जिससे इन समूहों को रोजगार भी मिल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के मद्देनजर ही ऊना प्रशासन ने शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी धाम के बाजारों में 2 अक्टूबर से पॉलीथीन में प्रसाद की बिक्री पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मुहिम के कारण मिल रहे रोजगार से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रसन्न तो नजर आ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही वो इन थैलों की सिलाई के लिए मिल रहे भत्ते को थोड़ा और बढ़ाने की सरकार से अपील भी कर रही है। हाँ जी, होता इसमें फायदा है कि हमें चाहे कुछ भी आता है, फिर भी खुशी होती कि हमारे लिए सरकार ने ठीक किया। ना इस काम में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, इसमें लागत भी होती है कि जैसे मटेरियल का खर्चा होता है, तो सरकार को ना थोड़ा सा कि इसका रेट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। फिर भी जो हमारे लिए किया वो बहुत ठीक है, पर उसमें भी उनको थोड़ा और सोचना चाहिए। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं था पहले, मतलब कि मैं अपना काम की जैसे अपना सिल लिया कर लिया थोड़ा बहुत वो करती थी, पर इससे हमारा रोजगार चला है थोड़ा बहुत। हम थैले सीने का काम कर रहे हैं सर, सरकार ने जो हमें दिया अच्छा काम दिया, जो मोदी जी ने वो थैले बंद किए प्लास्टिक के पॉलीथीन उसकी कारण ये हमें दिए, वो हमें बहुत अच्छा लगा। घर बैठे हमें रोजगार मिल रहा सर। वैसे तो ठीक है, घर बैठे काम कर रहे हैं, ऐसी तो कोई वो नहीं है, ये 20-25 थैले सी होते हैं दिन में। तो खुश हैं आप या सरकार से कुछ और मांग कर रहे हैं? थोड़ा सर बढ़ोतरी होनी चाहिए इसमें। इसी साहब ने ऊना प्रशासन की ओर से एक पहल शुरू करी है, जिसके अंदर हम खद्दर के जो बैग्स हैं वो सिलकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं जो नीडी लोग हैं उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे नीडी लोग्स में आपको बताएं, जैसे बांटने के लिए जो हमारे सिंगल ये राशन शॉप्स हैं, हमारी जो सरकारी राशन शॉप्स है वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बैग्स। मंदिर के अंदर जो प्रसाद देने के लिए लोग हैं उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट बैग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग सब्जियां खरीदने आते हैं सबसे ज़्यादा वहीं पर ही प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक चलती है, वहाँ पर हम जाकर ये बैग्स दे रहे हैं। तो इसमें सारे विभागों को मिलाया गया है। डीसी साहब की अध्यक्षता में हमने मीटिंग करी थी एक हफ्ता पहले, तो उसके अंदर हर विभाग को, हर BDOs को, हर SDMs को हमने टारगेट दिए हैं कि आप इतने इतने लोगों को, इतने इतने परिवारों को आपने कवर करना है। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास टारगेट दिया है डीसी साहब ने, 1,00,000 बैग्स का हमें टारगेट दिया गया है कि हम 1,00,000 बैग जो हैं यहीं की SHG महिलाएं, SHGs के माध्यम से जो हैं महिलाएं जो हैं वही हमारे बैग सिल रही हैं, हम सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। यहीं के लोग एक जो है एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप बन चुका है जिसके अंदर लेडीज़ जुड़ चुकी हैं अलग-अलग ब्लॉक की, और वो जो हैं हमें बैग सिल कर दे रही हैं, यहीं छप रहे हैं हमारे और यही बैग हम जो हैं वितरित कर रहे हैं आगे घर घर जाके जो हैं। ये भी कैंपेन भी चली है कि घर घर जाकर जो लोग हैं उन्हें संदेश दिया जाए। व्यापार मंडलों के साथ हमें ये मीटिंग करी है, उन्हें भी हमने बैग्स दिए हैं। पंचायत प्रधानों को हमने बैग्स दिए हैं कि जो किराना लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो किराना शॉप्स पंचायतों में होती हैं वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, उन्हें उन तक भी हमने टोकन इफेक्ट के लिए जो है बैग्स प्रोवाइड करे गए हैं।
तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।